बहुत ही रेंज बाउंड दिन रहा आज का, और निफ्टी ने एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेडिंग की, जहां पे बाजार ने हाई बनाया 635 के आसपास का। उसके बाद बाजार उस हाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं 600 से 625 के आसपास की जो टाइट रेंज रही, बेसिकली 630 पकड़ लीजिए, नीचे भी निफ्टी ने एक बार ब्रेक किया, 580 आसपास का सपोर्ट तय किया, उसको टच करने की कोशिश की, क्योंकि वो 580 का जो सपोर्ट था हमारे पास में दो तीन दिन से वो सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने उसको सपोर्ट की तरह मैनेज किया। हमने सुबह के लाइव सेशन में कहा था कि आज कोई खास ट्रेडिंग नहीं मिली, 4500 कॉल ऑप्शन कुछ पैसे बने थे, बट उसके बाद बाजार रेंज बाउंड रहा और साइडवेज ही रहा, पूरा दिन बाजार ने यही टाइम स्पेंड कर दिया। बाजार आज गैप से खुला और गैप को सस्टेन किया, 580 को ब्रेक करने की कोशिश की बट नहीं ब्रेक किया। अब कहानी क्या बनती है, किस तरह मुझे अगला ट्रेड प्लान करना है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी लर्निंग है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको पसंद आ सकती है, नहीं पसंद आ सकती, आपकी मर्जी है। अगर आप पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए समझ में आया नहीं आया, बाकी अपना ट्रेड अपने एडवाइज़र से पूछ के अपनी एनालिसिस करने के बाद ही लें। अब सारा दारोमदार जो है बेसिकली 18500 कॉल ऑप्शन और 18700 के पुट ऑप्शन पर ही आगे टिकता है, क्योंकि बाजार एक रेंज में है। स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज़ किया जाए उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो आई बटन में भी आपके पास अभी आ रही होगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आखिर में एंड स्क्रीन पे भी वीडियो का लिंक होगा, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे 18700 की पुट ऑप्शन का ट्रेड कहाँ बनता है, जब जब बाजार 630 635 के आसपास जाता है वहाँ पर एक ऑप्शन का ट्रेड बनता है पुट ऑप्शन का, क्योंकि वहाँ से बाजार में एक करेक्शन सी देखने को मिलती है। बाजार देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक लोअर हाई पैटर्न फॉर्म करते हुए बाजार बार बार नीचे की तरफ आता है, एक लोअर हाई लोअर पैटर्न फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो असली में जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड बनेगा जब जाके बाजार एक हाई क्रॉस करेगा, 635 से ऊपर डिसाइसिव मूवमेंट आएगी, यहाँ जाके बाजार की मूवमेंट स्टार्ट होगी। इस हाई के ब्रेक होने के बाद ही बाजार में अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे आके 18500 की कॉल ऑप्शन अच्छा पैसा दे सकती है, तो बेसिकली 18550 का भी एक डिसेंट सा सपोर्ट है जिसको बाजार ने आज पूरे दिन बना के रखा। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर आज जारी था, बहुत क्लियर कट इंडिकेशन नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए आज बड़ा बोर वाला दिन रहा, बहुत बोर किया लोगों को। अब खेल क्या होगा, बंद होते होते भी बाजार ने एक अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश की है, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुई है, बहुत हालांकि बहुत छोटा सा है। एफआईज की पोजीशंस को अगर समझने की कोशिश करें तो एफआईज पिछले दो दिन से सेलिंग कर रहे हैं, उनकी सेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, और अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, और जब बाजार हाई पे होता है तो ऐसे ऐसे सीन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे कहानी सीधी सीधी रहेगी, अगर बाजार ये जिस पैटर्न को आज परफॉर्म करते हुए बंद हुआ है, हायर हाई हायर पैटर्न्स के साथ में, हायर हाई हायर लोज के साथ में बंद हुआ है, यहाँ पे अगर वो 610 615 के ऊपर चलता है और 580 को सपोर्ट बना लेता है, देन वी आर अगेन हेडिंग टूवर्ड 630-640 पॉइंट्स। मतलब मोटा मोटा यहाँ से आपको 30-40 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने को मिल सकती है, जिसमें आपकी जो 18500 कॉल ऑप्शन है उसमें आपको 15-20 पॉइंट आराम से खाने को मिल सकते हैं। अब लोग कहेंगे यार 10-15 पॉइंट ऑप्शंस में क्या खाने हैं, एक बात बताइए मुझे, जब बाजार एक रेंज में चलता है, निफ्टी पूरे दिन में एक एवरेज जो निफ्टी की परफॉर्मेंस होती है 25-40 पॉइंट की होती है एवरेज, राइट, तो 25 पॉइंट का 50% बेसिकली 12.5 पॉइंट के आसपास निफ्टी में ऑप्शंस में आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। वही बैंक निफ्टी 40 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग आराम से मिल जाती है, तो 10 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग अगर आप 10 बार कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से 40-50 पॉइंट बना लेते हैं, इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको, बहुत शानदार है। जबकि वो आपको बिल्कुल बेस्ट एंट्री और एग्जिट्स पे ही आपको प्लान करना है, बेसिकली जब सपोर्ट हो सपोर्ट पे कॉल ऑप्शन को ट्रेड कीजिए, रेजिस्टेंस पे आता है तो आप पुट ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल का जो मेरा ट्रेड बनेगा वो ये रहेगा, अगर बाजार 610 के ऊपर निकलता है और 580 के सपोर्ट को मेंटेन करता है, ओपन इंटरेस्ट अगर मुझे कहता है कि ऑप्शन चेन मुझे कहती है कि हाँ मुझे सपोर्ट मजबूत होता दिखाई दे रहा है और मुझे एक लॉन्ग बिल्डअप दोबारा से देखने को मिलता है जो काफ़ी हद तक आज मेंटेन रहा था, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिली जिसकी वजह से बाजार कहीं ना कहीं साइडवेज भी रहा, तो दोनों में से किसी एक को हटना होगा, या तो कॉल राइटर्स अपनी जगह छोड़ेंगे तो पुट राइटर्स बाजार में पेनिट्रेट करेंगे वो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, या पुट राइटर्स जो वो अपनी जगह छोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से कॉल राइटर्स उसको टेक ऑफ करेंगे तो बाजार फिर नीचे की तरफ गिरने लगेगा। अब ऊपर की तरफ गिरता है तो मेरे पास यहाँ से चलने को कम से कम 120 से 130 पॉइंट्स निफ्टी के, नीचे गिरने को भी निफ्टी का जो सपोर्ट है 120 से 130 पॉइंट्स का कम से कम आता है। तो अगर निफ्टी 580 को फेल करती है और इसके ऊपर नहीं चलती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी वापस 360 की तरफ चलने की तैयारी करेगी, बट वो इवेंचुअली देखना होगा कि अगर डेटा क्या कहता है, वो डेली का लाइव मार्केट देखेंगे, डेली सुबह 9 से 11 लाइव सेशन होता है, वहाँ पे डेली लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालिसिस ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपकी कुछ स्टॉक्स और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जो बाजार में लाइव मार्केट को समझना सीखना चाहते हैं उनके लिए 9 से 11 का लाइव सेशन, 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे में अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो पूरे दिन तो ट्रेड मिलेगा ही नहीं है समझ लीजिए। 2 घंटे में सुबह सुबह ट्रेड बनाओ, पैसे बनाओ, 2 से 5 हज़ार बनते हैं बड़े आराम से बनते हैं, और जितने भी लाइव सेशन में लोग बैठते हैं अक्सर लोग उसको बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप के ऊपर में लोग मैसेज
भेजते रहते हैं, डेली कुछ ही कुछ बनाते हैं। देखिए 8,000 रुपये, और यहाँ पे देखिए 1,700 रुपये, उससे पहले 8,200 रुपये, उससे पहले 2,400 रुपये, 1,400 रुपये, मतलब लगातार 4,600 रुपये, मतलब ये बनते रहेंगे, ये पैसे बनते रहेंगे। कोई टिप एडवाइजरी नहीं है, बाजार को समझाऊंगा बाजार कैसे चल रहा है, ट्रेड अपने आप मिलेगा, आप अपने आप में सर कॉन्फिडेंट फील करोगे, कब तक दूसरे पे डिपेंड रहने वाले हो आप लोग। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेड बनेगा 630 के ऊपर बाइंग अगर निकलती है, और अगर सेलिंग का ट्रेड है तो 580 के सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए। अब देखना वहाँ कल बाजार कैसे चलता है। बैंक निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा रेंज बाउंड मार्केट ही ट्रेड किया आज। बैंक निफ्टी का भी जो असली रुझान चलेगा वो 42,300 के ऊपर बाजार चलेगा, तब जाके असली रैली बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। नीचे में 44,020 का हमारे पास में एक डिसेंट सा सपोर्ट है, 44,020 को अगर बाजार मेंटेन करके रखता है ये लेवल में, वहाँ कहता है 44,000, ये मेरी अपनी स्टडी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाजार ने रेजिस्टेंस दिया था, काफ़ी अच्छा गिरा था, वही 44,020 अगर सपोर्ट लेता है बाजार, फिर पलट के यहाँ से अगर मान लीजिए बाजार ने चलना स्टार्ट किया और एक हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ में बाजार 44,100 को क्रॉस करता है, तो हम 44,300 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, मतलब 200 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है, जहाँ इसकी ऑप्शन जो होगी इन द मनी एट द मनी वो कम से कम 70 से 100 पॉइंट आपको दे सकती है। तो बेसिकली आपको वॉच करना है 44,020 नीचे की तरफ ब्रेक ना हो, ऊपर में 44,100 के ऊपर चले तो मैं अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये रहा मेरा एनालिसिस कल के लिए, जैसे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाला हूँ। लाइव एनालिसिस करने के लिए डेली 9 से 11 मिलिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ चैनल के ऊपर में। दोस्तों ये आपका अपना आशीष स्तर पर नया चैनल है, पहले चैनल भी आपने बहुत प्यार दिया था, इस चैनल के ऊपर भी 1,700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपकी ही दुआएं हैं, आपका प्यार है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त कंटेंट आपके लिए डाल रहा हूँ, प्लीज जाके देखिए। स्कैल्पिंग के लिए एक रिसेंट स्ट्रैटेजी आज ही पोस्ट किया, उसको देखिएगा। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें उसको देखिएगा। एक्सपायरी स्पेशल हमने कैसे काम किया, बहुत सारे 4 शेयर्स ऐसे जो आपको मल्टीपैकर बना सकते हैं, जिनमें आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स को कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो एक स्ट्रैटेजी है। बहुत सारी फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ओपन चैलेंज कुछ मैंने दिया लोगों के लिए, सब बहुत इंटरेस्टिंग है। जाके कंटेंट को देखिए, मजा आएगा, और इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल हिट करना मत भूलिए, नहीं तो वीडियोज़ आपके पास नहीं आएंगी, नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।